हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी की पांच पांडवों के साथ सुहागरात के बारे में। आखिर कैसे मनाई थी द्रौपदी ने पांच पांडवों के साथ सुहागरात। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हिडन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करने के बाद द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस समय पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण भेष में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते, उसे देवी कुंती के सामने रख दिया करते थे। माँ कुंती भिक्षा को पांचों में बांट दिया करती थी। जब उस दिन अर्जुन और अन्य पांडव द्रौपदी को लेकर घर में आए, तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। लेकिन कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, जिसके कारण उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी और अपनी माँ के हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो बड़ी विचलित हो गई कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ भी ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों, जब इसका किसी से भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के पांच पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। महर्षि व्यास के समझाने पर द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। दोस्तों, इसके बाद द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह यह भी जानते थे कि यह अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी को साथ ही साथ यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांच पतियों को ही कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उनके कक्ष में कोई और दूसरा पांडव प्रवेश ना करे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? हम आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही तर्कपूर्ण कमेंट करें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।